माफिया अशरफ को भी अब प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अशरफ। रायबरेली सीमा में अशरफ की गाड़ी खराब हुई, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रायबरेली में अशरफ की गाड़ी खराब हुई, अब अशरफ को भी जो है वो प्रयागराज लाया जा रहा है। तो मेषपाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस कड़ी निगरानी में जो है उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। उधर उसके भाई अशरफ को भी अब प्रयागराज लाया जा रहा है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रही, क्योंकि गाड़ी खराब होने की भी खबर सामने आई थी, इसके बाद अब क्या स्थिति? देखिए, पूर्व विधायक माफिया जो अफसर अशरफ अहमद इस समय प्रयागराज वो पहुंचने वाला होगा, क्योंकि जैसे ही उसको अभी मैंने लखनऊ के सीमा से रायबरेली के सीमा में भेजा और तो 10 मिनट बाद ही उसकी गाड़ी हीट के वजह से खराब हो गई, क्योंकि नॉन स्टॉप वो बरेली से लखनऊ तक आया और गाड़ी की जो स्पीड थी वो 80 और 90 के करीब में थी, क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो कर रहा था लखनऊ राजधानी की सीमा में, और ये जो किलोमीटर का जब वो काटा था वो 90 और 80 से कम नहीं हो रहा था, अगर जहां पर सड़क ठीक थी तो गाड़ी लगातार चल रही थी, जिसके कारण गाड़ी हीट हुई और खराब हुई। बाद में 10 मिनट बाद जब गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मल हुई, ठंडी हुई, तो धक्का दिया गया और स्टार्ट हो गई, फिर वो काफिला उसका काफिला आगे बढ़ा और कुछ भी आधे घंटे में लगभग वो प्रयागराज वो काफिला पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ सटा हुआ है प्रयागराज से और प्रयागराज के सीमा प्रतापगढ़ सीमा के बाद प्रयागराज की ही सीमा आएगी। तो कुल मिला के जो ये अशरफ का मामला है, उमेश पाल हत्याकांड से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ने इन दिनों बहुत सारे सबूत, इस बीच अगर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर डाले जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम है, और क्या जिस तरह सुरक्षा पिछली बार थी उससे ज्यादा सुरक्षा इस बार, या फिर सुरक्षा उसी प्रकार से, व्यवस्थाएं किस प्रकार? देखिए, जो ये बंदी वाहन है उसी से इसको लाया गया था, उसमें खुद 8 से 10 जाबाज सिपाही होते हैं, साथ ही 2 स्कॉट लगे थे आगे पीछे और मीडिया का पूरा काफिला लाइव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई रिस्क और कोई इस तरह की कोई बातें नहीं थी। साथ ही प्रयागराज में इन दोनों अपराधियों को लेकर के वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, चारों तरफ से प्रयागराज की घेरेबंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है, कचहरी में भी भारी संख्या में पुलिस जो है वहां पर लगाई गई है, साथ ही औचक निरीक्षण करके जो सेंट्रल जेल है नैनी सेंट्रल जेल वहां पर भी देखा गया है कि क्या स्थिति है, तो जो भी कमियां पाई गई उसको भी दुरुस्त किया गया है। तो चाहे जेल की बात हो, चाहे प्रयागराज शहर की बात हो और चाहे काफिले की बात हो, हर जगह पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त दिखाई दी और सुरक्षा पहरे में ही अशरफ को लाया गया। बिल्कुल राघवेंद्र, और आगे की अगर कार्यवाही पर नजर डाली जाए तो आगे की कार्यवाही किस प्रकार से होने वाली है? प्रयागराज पहुंचने के बाद अशरफ को आगे की कार्यवाही उसके साथ किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, उसको प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में उसको पेश होना है। अगर आज समय मिलता, अगर कोर्ट नहीं उठती है, सही समय पर अगर वो पहुंच जाता है तो आज ये सुनवाई हो जाएगी, नहीं तो कल उसको पेश होना पड़ेगा। और ये उमेश पाल हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या की गई थी, गोलियों की तड़तड़ाहट से उसके और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया गया, साथ ही इस बम से भी हमला किया गया। तो उस पूरे मामले में 24 तारीख फरवरी से लेकर अब तक पुलिस ने बहुत सारा काम किया है। इस दौरान रजिस्टर बरामद हुआ है, इस दौरान आईफोन बरामद हुआ है, इस दौरान व्हाट्सएप कॉल बरामद हुआ है, रिकवरी हुआ है, तमाम कन्वर्सेशन इस समय हाथ लगे हैं पुलिस के। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास तथ्य है, सबूत है। कल या आज जब अभी पेश होगा, इस पर जब बहस होगी तो पुलिस अपनी पूरी दलील रखवाएगी अपने वकीलों के थ्रू, और कहीं ना कहीं जो पुलिस के पास जो सबूत है, जो सवाल है उसके मुताबिक बिल्कुल साफ तौर पर आप देखने वाली बात होगी किस प्रकार से पेशी होती है और क्या कुछ अहम चीजें इससे निकल कर सामने आती है। राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए।